तो हे गेमर्स, क्या हाल चाल है सभी के। होप करता हूँ सारे के सारे मजे में होंगे, और अगर आप लोग मजे में नहीं हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होगे। इतने ज्यादा खुश होगे ना कि यार आपकी खुशी का कोई लिमिट ही नहीं होगा, अनलिमिटेड खुश हो जाओगे। बेसिकली देखो, आप लोग बहुत बार बोलते रहते हो कमेंट के अंदर कि जोरा भाई हमारे गेम के अंदर कैरेक्टर क्लेम इवेंट कब आएगा, फ्री में कैरेक्टर हम सभी को कब मिलेगा। लेकिन आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनने के बाद आप लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे। बेसिकली यहाँ पर जितने भी आप लोग कैरेक्टर्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे कैरेक्टर आप लोग को गोल्ड में मिलने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, और ये मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा हूं। काफी सारे बंदे हंस रहे होंगे अभी कि यार देखो जोरा भाई मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है ना, वो गोल्ड में मिलने वाले। अब गाइस मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बेसिकली अगर आप लोग देखो यहां पर कैरेक्टर के अंदर जाओगे ना, तो आप लोगों को यहां पर 400 से 500 डायमंड देना पड़ेगा, 499 डायमंड देना पड़ेगा अगर आप लोगों को डीजे वाला कैरेक्टर लेना है तो, या फिर अगर आप लोगों को स्काईलाइट कैरेक्टर भी लेना है तो आप लोगों को 499 डायमंड देना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यार ये जितने भी कैरेक्टर्स अभी आप लोग देख रहे हो, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आप लोगों को गोल्ड में कैसे मिलेगा। वैसे यार अभी अगर आप लोग यहां पर परचेज करने आओगे कैरेक्टर, तो यार आप लोगों को पूरे 500 डायमंड देने पड़ेंगे, मतलब कि 499 डायमंड देने पड़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, मतलब ट्रिक नहीं है भाई, ये एक मिशन है जो कि यार ऑफिशियली फ्री फायर की तरफ से आने वाला है, और उसे कंप्लीट करने के बाद आप लोग सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो गोल्ड में ले सकते हो, चाहे कितना भी अच्छा कैरेक्टर क्यों ना हो। जैसे कि डीजेलो कैरेक्टर हो गया, क्रोनो कैरेक्टर हो गया, और साथ साथ यहां पर स्काईलाइट कैरेक्टर भी आप लोग गोल्ड में ले सकते हो। आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो के आगे प्रूफ दिखाता हूं, और ये बिल्कुल ही सच है। वैसे अगर आप लोगों ने YouTube पे सर्च किया होगा हाउ टू गेट फ्री कैरेक्टर इन फ्री फायर, या फिर डीजे लॉकर को फ्री में कैसे ले, स्काईलाइट कैरेक्टर को फ्री में कैसे ले, ऐसे अगर आप लोगों ने YouTube पे सर्च किया होगा ना, तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगी, और उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई यार यहां पर ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, और आप लोगों को फ्री में कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अगर आप लोग उन सभी कुछ तो यार एप्लीकेशन भी बताते हैं, लेकिन अगर आप लोग एप्लीकेशन वगैरह यूज करोगे ना, तो आपकी आईडी भी बैन हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं उस टाइप की ट्रिक को बिल्कुल भी यूज मत करना। और आप लोग एक बार सोच कर देखो भाई, जब कोई चीज फ्री में मिलेगा तो लोग यहां पर 500 डायमंड लगाकर कैरेक्टर को क्यों परचेज करेंगे, आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, ऑफिशियली फ्री फायर की तरफ से एक मिशन आने वाला है, और मिशन कंप्लीट करने के बाद आप लोग कैरेक्टर मिलेगा, जो कि यार बिल्कुल ही लीगल है। ऑफिशियली फ्री फायर हमें खुद दे रहा है, तो हमें क्लेम करना चाहिए, क्या दिक्कत है। हम लोगों ने कोई तिगड़म दिमाग थोड़ी लगाया कि यार हमारी आईडी वगैरह बैन हो जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक मिशन बताऊंगा, जो कि यार ऑफिशियली फ्री फायर का ही होने वाला है। तो आप लोगों को पता है हमारे जो फ्री फायर के अंदर जब भी हमारे गेम के अंदर अपडेट आता है ना, तो उसका एक ऑफिशियल एडवांस सर्वर आता है, आप लोगों को बताइए। और हमारे गेम के अंदर 20 से 25 दिनों के अंदर ही एक नया अपडेट आने वाला है, OB33 का, ठीक है। तो उसका एडवांस सर्वर फाइनली आ चुका है, जो कि यार 2 दिन पहले ही आया था, और उस एडवांस सर्वर के अंदर एक लिंक का ऑप्शन दिया गया। जी हाँ मेरे भाई, अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप लोग को साइड में एक लिंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और इस लिंक पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना, आप लोगों को कुछ छोटे मोटे मिशन दिए जाएंगे, और जैसे आप लोग मिशन कंप्लीट करोगे ना, आप लोगों को यहाँ पर डीजे वाला कैरेक्टर या फिर कोई भी कैरेक्टर गोल्ड से ले सकते हो। जी हाँ मेरे भाई, और ये बिल्कुल ही कंफर्म है। अगर आपके पास एडवांस सर्वर है तो आप लोग एडवांस सर्वर के अंदर जाकर देख भी सकते हो, ठीक है। तो एडवांस सर्वर के अंदर फाइनली ये दिखाया गया कि यार आप लोगों को जो गोल्ड से यहाँ पर जो डीजे वाला कैरेक्टर है वो मिल रहा है। लेकिन मेरे भाई मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वैसे तो एडवांस सर्वर के अंदर जो भी आता है वो हमारे गेम के अंदर अपडेट के बाद आता ही आता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये डीजे वाला कैरेक्टर तो यहाँ पर एडवांस सर्वर के अंदर दिखाया जा रहा है कि हमें गोल्ड में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन शायद से जब हमारे गेम के अंदर अपडेट आएगा ना, तो डीजे वाला कैरेक्टर नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है, 90% चांसेस है कि आप लोगों को डीजे वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा अपडेट के बाद गोल्ड में। जी हां मेरे भाई, और ये मुझे लगता है कि शायद से मिल सकता है, 90% चांसेस है, लेकिन 10% मैं सियोरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि यार अभी देखो एडवांस सर्वर के अंदर है, लेकिन अपडेट के बाद क्या हो जाएगा वो तो अभी कुछ भी पता नहीं, ठीक है। लेकिन जो था मैंने फाइनली आप लोगों को बता दिया कि अपडेट के बाद आप लोगों को एक लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और लिंक पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे ना, आप लोग गोल्ड से यहां पर जो कैरेक्टर है वो क्लेम कर पाओगे, चाहे तो स्काईलाइट कैरेक्टर हो गया, या तो फिर डीजे वाला कैरेक्टर हो गया, या फिर क्रोनो कैरेक्टर हो गया, या फिर वुकोंग कैरेक्टर भी आप लोग इजीली गोल्ड से परचेस कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को ये वाला न्यूज़ सुनकर कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। और बेसिकली आप लोग एक हार्ड मिशन दिया जाएगा, मतलब कि इतना सस्ता भी मिशन नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट मिशन दिया जाएगा। आप लोगों को पता है फ्री फायर वाले कभी भी इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स फ्री में नहीं देते, तो आप लोग गोल्ड के बदले कैसे दे देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड मिशन आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोगों को ये करना है वो करना है, और थोड़ा सा हार्ड मिशन दिया जाएगा, और मिशन जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे वैसे आप लोगों को यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स है वो गोल्ड में मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने के बदले में आप लोगों को यहां पर गोल्ड से मिलेगा डायरेक्ट, आप लोगों को स्टोर के अंदर आकर एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, आई होप आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट निकल कर आता है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर से पूछ लेना। वैसे एडवांस सर्वर आ चुका है, और अब शायद से आप लोगों को 20 से 25 दिनों के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा फ्री फायर के अंदर। और अब कुछ बंदे सोच रहे कि यार फ्री फायर तो प्ले स्टोर के ऊपर से रिमूव हो गया, तो फ्री फायर को कैसे अपडेट करेंगे। तो गाइस देखो, अपडेट आने से पहले ही
आप लोगों को फ्री फायर प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो देखते यार क्या होता है इन फ्यूचर, क्या होने वाला है। वैसे 20 से 25 दिनों के अंदर आप लोगों को फ्री फायर के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग फ्री फायर को अपडेट नहीं कर पाते हो तो फ्री फायर मैक्स को खेलना होगा, फिर फ्री फायर मैक्स को आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट करके फ्री फायर मैक्स को खेल सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग सारा कुछ समझ गए। अगर आपका कोई डाउट निकल रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर पूछ लेना। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे किसी और न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।